एक जो मुझे पॉइंट हाईलाइट करना है फॉर द हाँ बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स, हाँ ओके हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आपके लिए एक ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। 5000 किलोमीटर चलाने के बाद हमारे फ्रेंड मिस्टर रमेश नायक, ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट हिज रेनो काइगर। रेनो काइगर एक बहुत ही फेमस गाड़ी है इस सेगमेंट में, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग कार्स है। रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट दोनों का अच्छा खासा कंपटीशन दिया। ही हैज़ ड्रिवन दिस कार फॉर अराउंड 5000 किलोमीटर्स, राइट? सो आई विल बी हैंडिंग ओवर टू हिम टू स्टार्ट द डिस्कशंस। सो हम लोग वीडियो के दौरान वील ट्राई टू कवर 5 पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव्स, बिकॉज हम लोग थोड़ा अनबायस रखेंगे डिस्कशन को। जजमेंट आप ही देंगे कि आपको गाड़ी पसंद आए कि नहीं। वीडियो के शुरू में लेट्स ट्राई कि आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि आपको क्या लगता है, गाड़ी अच्छा है और इसमें क्या बेटर हो सकता था। अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, वीडियो के एंड तक तो आपको समझ में आ ही जाएगा व्हाट द ओनर फील्स अबाउट द कार। सो मिस्टर रमेश, आपने ये गाड़ी कब लिया था? बिफोर आई स्टार्ट पार्था, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, क्योंकि आपका जो इनिशिएटिव है ऑफ दिस यूट्यूब चैनल एंड योर पैशन, सो आई वुड विश टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस लॉन्च ऑफ दिस योर चैनल। इट टॉक्स अ लॉट अबाउट योर ओन नॉलेज एंड योर पैशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। So I think you are in a better position to, you know, correct me if I'm wrong, if I, on my feedback. Yeah. But coming to the your question, मैं तो ये कहूँगा कि, you know, in the last 25 years of my driving, I've started with the Maruti 800, then I went over to the Santro, and then so on and so forth. Then, you know, I got even the Elantra, okay, which was a second-hand model, because I thought of, you know, exploring the 1.8-liter feel. Okay. And after all that, then, you know, my last car was an A-Star. Okay. And after that, I moved to Maruti Suzuki A-Star. A-Star. Okay. After that, then I moved on to the Kiger, on the Kwid. Okay. And after the Kwid, I went for this particular selection. Because it has a lot of, see, आपने मुझे क्या बोला कि पांच benefit, pros and पांच cons बोलना. Right. मैं तो बोलता हूँ इसमें pros बहुत ज़्यादा है. और जो cons है, those are not many. But मेरा कहने का ये है कि now this car, I got for on road 8.8 lakhs. Okay, on road Mumbai. On road Mumbai 8.8 lakhs. Now, okay, if you evaluate this pricing, along with all the features that are there, I mean, the people today are very knowledgeable. Right. They have the information on channels like yours. So, if you do a comparison of the Kiger with a similar segment car of any other make, you will find that there are a lot of pros in this model. Okay. What I mean is, you know, in this particular price of 8.8 lakhs, which I told you, which is, you know, on road, again, all inclusive, what is it that you get? You get everything. I mean, when we take the interior, when we get inside the car and I, you know, we have a drive. Yes. I will let you know what is from the inside of the car. See, it will tick all the check boxes that you've got. Right. On paper and also in the flesh. तो ये पेपर पे जो आप देख रहे हो ना कि ये फीचर्स है, वो भी आप एक्चुअली प्रैक्टिकली भी देखोगे, इट विल बी अ वेरी ओपन एंड शट केस, राइट? दैट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर बेटर कार देन दिस। ऑफ कोर्स द व्यूअर्स आर फ्री टू पुट इन द कमेंट बॉक्स, यू नो, यस ऑफ कोर्स दे विल, व्हाट दे फील। अब देखिए पार्था, आप बोलेंगे कि इसमें सनरूफ नहीं है, मुझे बताइए सनरूफ क्या है? सनरूफ का वी हैव कवर्ड दैट आल्सो इन आवर चैनल, के सनरूफ का यूटिलिटी इंडिया में वी डोंट सी एनी यूटिलिटी इन इंडिया। मैं तो बोलता हूँ वो तो पितृ मोह या बच्चों के मोह के लिए उनको चाहिए, बट दैट इज आल्सो वेरी रिस्की व्हाट दे डू, दैट इज रिस्की आल्सो, यू आर राइट, वेरी राइट। सो व्हेन डिड यू बाय दिस कार रमेश? सी दिस कार आई गॉट 4 मंथ्स अगो। ओके, सो फ्रॉम रेनो टू रेनो यू स्टेड बैक विद रेनो? करेक्ट, करेक्ट। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई यू स्टेड बैक विद रेनो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडल पर से, बट अदर देन द मॉडल कोई और रीजन था आपको रेनो के साथ रहने का? मतलब जैसे क्विड और काइगर ठीक है, बट कोई और ऐसा आपको लगा कि नहीं रेनो आप लॉयल बन गए रेनो के लिए, जैसे लोग मारुति के लिए सर्विस के लिए लॉयल हो जाते, तो इज देयर एनी रीजन? आई व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड द क्विड, द रेनो क्विड, व्हाट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट इज द प्राइस फैक्टर, नंबर वन। सेकंड ऑफ ऑल, इवन इफ यू सी द क्विड इन दैट सेगमेंट, यू विल फाइंड इट इज द बेस्ट लुकिंग कार। सो व्हाट आई कैरीड फॉरवर्ड द कन्विक्शन आई हैड ऑन द क्विड with the Kiger. Okay. So if you ask me the question, to answer the question, I'll say that price was an attraction for me, which was really a very competitive price I got. Right. Second was the maintenance, which is very important. Hmm. I mean, I hardly spent money on the maintenance of so the car. So how many services? I think one service. Now ek service hua hai. Dusra service abhi 10,000 mein hoga. 10,000 kilometers. 10,000, okay.
So maintenance you liked, of course, design you loved, budget was perfectly fitting in your whatever you needed. Like I started the process of elimination. कि मुझे बोला मुझे sunroof तो चाहिए नहीं. I don't need cruise control. I don't need more torque and more horsepower because my maximum travel is in the city. And of course, because I had the quid, it gave me a good loyalty buyback price as well. क्योंकि मैं रेनो से रेनो लॉयल्टी बोनस मिलता है राइट तो मुझे वो भी एक एडवांटेज हुआ. सो दिस इज द टॉप वेरिएंट इन द नेचुरली एस्पिरेटेड सेगमेंट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड यू आर हैविंग अ मैनुअल वेरिएंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दिस इज अ मैनुअल वेरिएंट. आई मीन इट इज द एंट्री लेवल फॉर टॉप वेरिएंट इफ आई पुट इट दैट वे. दिस इज द RXZ. हां RXZ का सबसे जो फर्स्ट लेवल है मैनुअल अलोंग विद यू नो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन. दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. ओके सो दोस्तों हम लोग अभी विल गो इनसाइड द व्हीकल एंड देन विल डिस्कस फर्दर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द वीडियो. रमेश जी जैसे आप बता रहे थे कि कुछ नेगेटिव है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हाईलाइट कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट टू विद द पॉजिटिव्स अबाउट द कार. व्हाट डू यू फील द बेस्ट से लेके चालू करते हैं. हाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके जो यूनिक फीचर्स मैं बताता हूँ क्या. पहले बात तो जो फीचर्स बाकी गाड़ियाँ भी दे रही हैं आपको वो फीचर्स भी इसमें तो है ही. हाँ. लेकिन कुछ फीचर्स जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये वाला जो की है ये वाला. हाँ. ये इसका स्मार्ट की है. हाँ, राइट. तो नॉर्मली आप देखोगे ना दूसरी गाड़ियों में स्मार्ट की तो रहता है. हाँ. पर जैसे आप नजदीक आओगे तो आपको एक एक्सेस बटन होता है. हाँ, हैंडल, हैंडल यस, पे. यस, हाँ. जो आप उसको प्रेस करके फिर वो आपको डोर खोल देगा. राइट. इन दिस केस यू जस्ट हैव टू बी क्लोज टू द कार दैट्स ऑल. ओके. एंड जस्ट पुल द हैंडल. आपके हाथ में शॉपिंग बैग्स है आपको शॉपिंग बैग्स रखने हैं बूट में तो उससे भी एक फायदा ये कि जैसे आप नजदीक आओगे तो वो खुल जाता है अपना. हाँ, तो आपको फिर डिक्की खोलने के लिए भागा दौड़ी नहीं करना. हाँ, तो बूट भी खाली आपको एक बटन प्रेस करेंगे तो बूट खुल जाता है. करें. इसमें यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लीन फिल्टर है. ये जो वेंट है ना. हाँ. ये 2.5 PM. हाँ. फिल्टर है इसमें. अच्छा. ओके. एंड दिस इज नॉट यू नो अ सेपरेट अटैचमेंट इट इज बाय डिफॉल्ट. ओके. कहने की बात ये कि ये कार के साथ ही ये फीचर इनबिल्ट है. अच्छा. सो दिस इज अनदर फीचर विच आई डोंट थिंक अदर कार्स हैव गॉट इवन इफ दे हैव इट मे बी an extra additional cost. Okay. So this is the second. The other than that, what I like about this car is the drive modes. Okay. देखिए अभी आपको ये drive modes Nexon में भी मिलेगा. मैं ना नहीं बोल रहा हूँ बाकी गाड़ी में भी होंगे drive modes. लेकिन मेरा जो ख्याल है ना वो drive modes जो इसमें है at that cost. मैं बार बार उसी पे आ रहा हूँ. See this. मतलब value per मतलब value proposition जो है basically. Exactly. तो based on the value to feature proposition. हाँ. You know, this will definitely be tops in terms of those parameters. Right. ये बोल रहा हूँ मैं. Right. तो इसके जो driving modes हैं यहाँ पे, तो ये driving modes में जो Nexon जैसे ही होंगे इसमें भी. हाँ. क्योंकि इसमें भी वो eco है. तो when you're in heavy traffic, go with eco. It will really give you very good mileage. Of course, at the cost of power. Right. इसमें normal दिया हुआ है. उसके बाद eco दिया हुआ है और sport. Okay. तो ये मैंने तीनों driving modes try किए हुए हैं. And you can feel the significant change of not only power but also the steering feedback. अच्छा steering का भी feedback change होता है. Yes, जैसे भी आप जैसे आपने sports में डाल दिया उसको तो अच्छा एक और बात इसमें यह कि before I come to that point कि जब भी आप modes change करोगे यहाँ पे तो ये आपका जो instrument cluster panel है यहाँ पे ये भी आपको अलग design देगा. या भी इसमें क्या है कि best part is giving you a guided bandwidth. हाँ, कि इसमें आप करोगे तो आरपीएम को रखोगे तो आपको ज्यादा अगर आप आरपीएम ये विंडो में रखोगे एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. यस सो इट आल्सो गाइडिंग यू. हां तो कि आपने इको में डाल के चला लिया कैसे भी तो नहीं तो आपको बताया गया कि ये इसमें होना चाहिए इस आरपीएम रेंज में आप रखो. जबकि गियर शिफ्ट इंडिकेटर तो आ ही रहा है अलर्ट उसमें. गियर शिफ्ट चेंज करने के लिए आ ही रहा है. राइट. इसमें भी आ रहा है ये मोड में. बट द पॉइंट इज दैट इट इज गिविंग अ क्लियर इंडिकेटर ऑन द आरपीएम विंडो. तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है एंड आई हैव ट्राइड इट मायसेल्फ. इट गिव्स वेरी गुड माइलेज. Secondly, in city, I'm saying. I think Kiger is 4-star rated, if I'm not wrong. Yes, Asian yes. NCAP, NCAP, 4-star. NCAP, 4-star rated. Right. Just like the like its cousin. I think Jazz is also. Jazz be 4-star rated, Asian NCAP. Okay. So, I think these are safe cars. Yes. Venue is, I think, 2-star or not rated. I'm not sure about that. Will not be commenting. But I think Venue ka rating clear nahi hai. But of course, it is lesser than this. Lesser than this. So, you're getting more at right. 8.8. Plus, I'm getting 4 airbags in this by default. 4? Normally, आप देखेंगे so you're getting driver, passenger and side impact. अच्छा, you have curtain bags also. Yes. Okay, that's actually really good for this money. So that is why I'm बाकी सब गाड़ियों में ये सब 10 लाख के रेंज में जा रहा है. हाँ, तो 8.8 में अगर मुझे 4 airbags मिल रहे हैं
मुझे 6 स्पीकर्स मिल रहे हैं साउंड सिस्टम में, सॉरी 8 स्पीकर्स, फोर स्पीकर्स एंड फोर ट्वीटर्स तो अगर ये मुझे मिल रहा है, मुझे सारे एलईडी, द एंटायर लाइटिंग इज एलईडी, ओके, यस यस, दैट इज सो, इवन द टेल लाइट्स आर एलईडी, द लाइट्स आर क्वाइट क्वाइट, द लाइट्स आर, आई रिमेंबर, नाइट में लाइट्स का कैसा आपको लगता है? बहुत अच्छा, इनफैक्ट मैं आपको ये बात, आपका मैंने चैनल फॉलो किया था तो मैंने देखा था कि आप ही के एक रिव्यू में, नेक्सॉन के रिव्यू में जो आपके पास आपका ओनरशिप रिव्यू था, उसमें आपने ये पॉइंट बोला था कॉन्स में, इसका लाइट जो है, नेक्सॉन का लाइट का इशू है, बिकॉज़ आई हैव सीन दैट वीडियो, सो इन दिस केस देयर इज नो सच प्रॉब्लम, अच्छा, ओके, दे आर मोर देन सफिशिएंट, ओके, आपके फॉग लैंप्स भी एलईडी है क्या? इसमें फॉग लैंप्स नहीं है. अच्छा, अभी आपने बोला कि मॉन्यूवेबिलिटी बोला ना आपने, ये क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ कि इसमें कौन आ गया, अच्छा, तो कौन में है, वो कौन में डिस्कस, ये कौन में, हाँ, तो हाँ, वीडियो के एंड तक बने रहे, कौन बहुत अच्छा एक डिटेक्ट हुआ है, बहुत मुश्किल से कोरिलेटेड, वी विल टॉक अबाउट दैट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जो पॉजिटिव आपको लगता है क्या लगता है इसमें? ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, ओके, ये भी डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे आप ये दबाओगे तो देखिए लाइट इसके, ओके ओके ओके, दिस डोर हैंडल, देन यू गेट द लाइट बिलो, सो आपको कुछ ढूंढने में तकलीफ नहीं होती. यहाँ पे टू टियर सेटअप है, आई थिंक दिस इज सिमिलर टू टियर सेटअप, ट्राइबर में भी सेम सेटअप है, यस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड काइगर, इट इज अ फ्यूजन ऑफ, यस यस, क्विड एंड ट्राइबर. वन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक, लोग बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए ये सुटेबल है कि नहीं, मैं पुणे जाके आया था जस्ट रिसेंटली, वुड हैव बीन माय नेक्स्ट क्वेश्चन एनीवेज, यस, सो दैट आई हैव ट्राइड ऑल द ड्राइव मोड्स, इट्स रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस, एंड मोर इम्पोर्टेंट ऑन लॉन्ग ट्रिप्स व्हेन यू हैव टू गो फार अवे फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एंड स्टे ओवर एंड कम बैक एंड ऑन अ वेकेशन, स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हां, यस यस यस, तो ये कार में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई हैव गॉट द मैक्सिमम स्टोरेज, दैट आई कैन सी बिकॉज इट्स मोर देन 400 लीटर्स एट द बैक, टैम्बूर स्टोरेज हियर, वी हैव टैम्बूर स्टोरेज हियर, we have more than 400 liters in the boot, that is actually quite big, I think that is even bigger than Nexon is 350, yes, liters. And suppose you and I am going on a long trip, and the seats are foldable 60-40, then to you get, so it gets more than double, the 400 and I think 900 plus ho jayega aaram se, more than 800 aapka 60-40 split seats hai because top model hai, okay, so you are getting an armrest also, iske niche bhi storage hai kya? We are getting an armrest, isme dekhiye, acha this storage extendable, ye pura storage hai, so look at the space you've got, and you have got cubby holes, okay, तो हाफ लीटर बॉटल के कभी हो सकते हैं, हाफ लीटर नहीं, इसमें भी आई वांट टू टेल यू, इफ यू डू अ कंपैरिजन ऑन हाउ मेनी 1 लीटर बॉटल्स कैन फिट इन द इनसाइड ऑफ दिस कार, यू विल बी शॉक्ड टू, दिस विल होल्ड एटलीस्ट 8 टू 9 बॉटल्स 1 लीटर की, अच्छा, ओके, देखिए चार डोर में तो चार आ गए, पीछे भी एक आर्मरेस्ट है, हां आर्मरेस्ट है, तो उसमें भी बॉटल होल्डर है, तो कितने हो गए, 6 तो वही हो गए, फिर एक इसमें आ जाएगा, हां इसमें आ जाएगा 1 लीटर, दिस इज नॉट कूल्ड, दिस इज कूल्ड, दिस इज कूल्ड, या नीचे वाला कूल्ड है, ऊपर वाला कूल्ड, या ये भी आपने एक अच्छा मुझे याद दिलाया कि इसमें कूल्ड ग्लव बॉक्स, हाँ, वो टॉप मॉडल में हमेशा रहता है, ऑल टॉप मॉडल्स हैव इट, तो ये तो ठंडा पानी आपको आराम से हो जाएगा, एंड तो स्टोरेज के मामले में, हाँ, आप किसी के बारे में बोले फीचर्स के मामले में, आई डोंट सी एनी अदर कंप्यूटर क्लोज टू इट इन टर्म्स ऑफ प्राइस वर्सेस फीचर, सो अभी तक हम लोग पॉजिटिव्स में तीन पॉइंट कवर किए कि फीचर वाइज वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है, स्टोरेज स्पेस इज गुड, आपके ड्राइव मोड्स, ये तीन आपको मेन पॉजिटिव्स आए, और क्या पॉजिटिव आपको लगता है इस गाड़ी में? माइलेज के बारे में कैन वी डिस्कस इन पॉजिटिव्स? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइलेज तो ऑब्वियसली विल बी इंडियन फैक्टर, एंड जब भी कोई बोलता है ना मुझे प्राइस में बजटेड प्राइस है, हाँ, तो माइलेज तो आ ही गया उसमें, तो हैंड इन हैंड हो गया कि भाई जो प्राइस बोल रहा है माइलेज भी देखेगा, हाउ मच आर यू गेटिंग इन योर नॉर्मल, यू ट्रैवल अ लॉट इनसाइड द सिटी, yeah, so city mileage is anything from 10 to 12 city, I'm saying heavy traffic, so how much do you cover every day on an average? See, I told you in the last 4 months I have done more than 5000, so that would include long trips also, right? Not many, no, majorly or this 5000 has been in city only, do char drive hua, main bolunga usme se 5000 mein se I would say around 600 to 700 would be long, yeah, aur baki sab city ka, ab you can take it as 4:1, to mota mota aap pakad lete 5000 mota mota aapka city ke andar hi pakad sakte hum log, ha, to kitna aapko mileage mila abhi? देखिए डिपेंड करता है, अभी मैं वो बोला अगर हैवी ट्रैफिक होगा ना तो आपको कम से कम ये 10 देगा, मुंबई ट्रैफिक में 10 टू 12 देगा आपको, 10 टू 12 दे देगा विद एसी, विद एसी आई ऑलवेज, बिकॉज़ दैट्स गुड, हां बट लाइक आई सेड इट शुड बी इन द इको मोड, अच्छा इट शुड बी इन द, अगर नॉर्मल में आप चलाओगे तो शायद 1-2 किलोमीटर कम आएगा, 1-2 किलोमीटर कम होगा आसपास, 1-2 किलोमीटर कम होगा, ओके ओके, सो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे यहां से मैं आई वेंट टू पुणे, so I was driving in all modes, like from here to Panvel I went by eco, then I took normal, then I on the highway I went in sports, okay, so it gave me something like 19
ओके 19 अच्छा ई कॉमर्स नहीं पूरा मिक्स करके अच्छा सब मिला आई यूज फ्रॉम हियर टू पुणे इट गेव मी 19 ओके ओके तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में आपको क्या लगता है इस गाड़ी में कंफर्ट या केबिन स्पेस वो सब चीज के बारे में थोड़ा अगर आप हमें बताएं देखिए इसका केबिन स्पेस तो डेफिनेटली इट इज एट पावर विद द लाइक्स ऑफ वेन्यू आई थिंक इट्स मच बेटर देन वेन्यू द इंटीरियर स्पेस दैट यू टॉक अबाउट और कंफर्ट कन्वीनियंस की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली यू नो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर इज अ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नंबर 1 नंबर 2 यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर स्टोरेज स्पेस का और आपने बताया नंबर 3 यू गेट एन आर्मरेस्ट सो एर्गोनॉमिकली वेरी कंफर्टेबल वेरी मच नेसेसरी फॉर लॉन्ग ड्राइव्स या एंड इवन फॉर लॉन्ग ड्राइव्स व्हेन यू हैव दिस एंबिएंट लाइटिंग फीचर थोड़ा सा गिव्स यू अ गुड फील म्यूजिक सिस्टम इंफोटेनमेंट सो दिस लाइट एंबिएंट लाइट जो भी आ रहा है ये चेंज होता है कलर या फिर ये वाइट नहीं ये फिक्स्ड वाइट ही रहेगा बट स्टिल कुछ तो मतलब एटलीस्ट एक ये आता है द एंबिएंस फील्स मच बेटर व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग यू फील मोर कनेक्टेड एंड रीचेबल ओके कैन आई स्पोक अबाउट द इंफोटेनमेंट व्हिच आई गेट इज इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो दे रहे देखिए दिस ऑल्सो इज समथिंग टू हाईलाइट क्योंकि नॉर्मली इवन वेन्यू में आप देखोगे मैक्सिमम गाड़ियों में अभी भी वायर वाला आ रहा है आई थिंक i20 के बाद से i20 मैग्नाइट काइगर आई थिंक दिस बैच ऑफ कार्स स्टार्टेड कमिंग विद वायरलेस सो दिस अगेन इज अ गुड कन्वीनियंस फीचर फॉर अस यस देयर आर रियर आर्मरेस्ट एंड रियर एसी देखिए ये भी एक पॉइंट है हां रियर एसी वेंट्स यस आप जब कंपेयर करोगे विद सम अदर मैन्युफैक्चरर्स ये फीचर भी रहेगा बट इट विल बी एट अ हायर कॉस्ट यस ऑफ कोर्स बट कहने की बात क्या कि आपको मैं आपको क्यों बार बार ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि 880 में ऑन रोड आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो विच आर मोस्ट सॉट फॉर यू नो प्लास्टिक क्वालिटी इज ये हार्ड दे हैव यूज हार्ड प्लास्टिक नॉट सॉफ्ट बट दैट इज ओके सबको सब कुछ सारे मिलेगा इट इज बजट फ्रेंडली इट इज नॉट चीप सो अच्छा नेक्स्ट थिंग इज रियर सीट में 3 एडल्ट्स लाइक यू एंड मी कैन दे सीट कंफर्टेबली या फिर 2 एडल्ट और एक बच्चा See, again the size matters there. अभी मेरे जैसे रहेंगे तो फिर 3 नहीं बैठ सकते बट से मीडियम बिल्ट लार्जली बिल्ट एंड मॉडरेटली बिल्ट कैन बी अकोमोडेटेड इन द रियर सीट सो ऑल इन ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू नो दिस गिव्स यू अ कंप्लीट पैकेज एंड ऑफ कोर्स दिस हैज आई नोटिस्ड दिस दीस टू लाइट्स इवन वेन्यू में सिर्फ पीछे का लाइट आता सामने नहीं आता है हां ये द रिव्यू व्हिच आई डिड उन्होंने सामने लाइट लगवाया था सिर्फ सामने आता है पीछे नहीं आता है सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल्दो 5 पॉइंट्स डिस्कस हुआ पांचों में आप 5-5 पॉइंट जोड़ दिए तो 20-25 तो हो ही गया होगा मैं वही बोल रहा हूँ इसमें अभी देखिए आप बोल रहे हैं कि कौन सी है मैं आऊंगा कौन पे मैं कौन पे आऊंगा वी वांट आई वांट टू स्टार्ट द कॉन्स बिकॉज आई थिंक व्यूअर्स अभी वेट कर रहे हैं कि और कुछ तो मिले तो अभी लेट्स आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद द कॉन्स यस सो व्हाट डू यू फील देखिए कॉन्स में तो मतलब अभी एक कॉन मतलब आई डोंट नो अभी पार्थ वेदर आई कॉल इट अ कॉन और नॉट लेकिन 3 सिलेंडर इंजन आपको पता है कि वाइब्रेशन तो थोड़ा बहुत रहेगा उसमें इफ यू अग्री विद मी या ऑफ कोर्स आई एम एम 3 सिलेंडर इंजन अभी हमारी गाड़ी इट इज द एयर कॉन इज वर्किंग यस एयर कॉन चालू है और गाड़ी स्टार्ट है वाइब्रेशंस है यस बट बीइंग अ 3 सिलेंडर व्हेन यू स्टार्ट द कार एंड व्हेन यू आर एट स्टेशनरी यू विल फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच आर आई वुड से मैनेजेबल दे आर नॉट समथिंग व्हिच विल डिस्टर्ब यू हां तो ठीक है बट यू कैन कॉल इट अ कॉन इफ 3 सिलेंडर में रहेगा आपका रियर पार्किंग कैमरा इसमें है इसमें रियर पार्किंग कैमरा भी है करेक्ट अच्छा ओके दैट वी मिस्ड आउट रियर पार्किंग कैमरा भी है इसमें सो नाउ आई थिंक कॉन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए 3 सिलेंडर वाइब्रेशन का थोड़ा सा फील आता है अभी नया है तो बाद में शायद थोड़ा बढ़ेगा ऑफ कोर्स दैट्स नॉर्मल मैकेनिक्स राइट और क्या आपको लगता है कि कौन सा है एक जो मुझे पॉइंट हाईलाइट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स ओके व्हिच इज वेरी रेलेवेंट वो ये है कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं ए पिलर ये ए पिलर और ये ORVM हाँ तो ये क्या होता है कि ये जो भी आप मनोरिंग करते हो अच्छा आपका व्यू ब्लॉक होता है ब्लाइंड स्पॉट टाइप का कुछ ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैंने एक्सपीरियंस किया है सो इट इज अ ये नेक्स्ट टाइम भी हम आई फेस दिस इशू Yes, I know. So, A-pillar में आपको it's actually for safety. A-pillar आपका मोटा रहेगा तो अच्छा है, but hazard भी है. Hazard भी है. और दूसरा क्या कि ये अभी मैंने जो ये लगवाया है, ये rain visor जो लगाया है, और ज़्यादा हो गया. It has further aggravated the problem. Yes. तो आपको फिर सर हटा के देखना पड़ता है कोई भी blind. हाँ, तो मतलब you have to be conscious when you're driving and taking a right turn or you cannot suddenly do change. Focus on the road.
फोकस ऑन द रोड, बिकॉज ये कभी हो सकता है ओवरसाइड हो सकता है, हाँ कभी यहाँ कुछ और सोच रहे सोचते सोचते चला गया, दैट इज दिस इज अ वेरी बिग कॉन आई वुड फील, अच्छा अकॉर्डिंग टू मी, हाँ ना नहीं दैट दैट्स ऑफ कोर्स। उसके बाद जो बाकी के जो आप मैं आपको छोटे मोटे बात बोल सकते हो, जैसे ये जो इंटर ये IRVM ये तो डे नाइट है, नॉर्मल मैनुअल वाला, ये मैनुअल वाला है, इसको ऑटो दे सकते ऑटो दे सकते थे, और ये बहुत छोटा भी लग रहा है, लेकिन छोटा लग रहा है, करेक्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, गाड़ी के हिसाब से रेनो वालों ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, गाड़ी इतना अच्छा है तो मिरर में क्यों खामी, ये एक फीडबैक है, और मिरर के साथ ये लाइट्स भी थोड़ा अच्छा हो सकते थे, हैलोजन बल्ब से, तो दिस कुड हैव बीन, हैलोजन बल्ब में एक्चुअली हीट अप हो जाता, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं हीट कैसा होगा, देखिए जैसे जो नॉर्मली हाउ वी चेक द बिल्ड क्वालिटी, तो मैंने समझा है कि जो ये मैंने इसको अभी बंद कर दिया ये डोर, तो ये थर्ड ठीक है, ये ठीक है, आई एम हैप्पी विद, आई एम नॉट यू नो डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब आप बाहर की तरफ खड़े रह के when you are leaning against the door or on the body of the car, especially the door side, तो ये door panels जो बोलते हैं इसको या whatever, तो आपको एक अच्छा वो wobble करता है basically, थोड़ा सा तो आपको एक feel मिलेगा कि भाई ये थोड़ा you know पतला type का किया है depression या you get that kind of feel, तो वो एक मुझे लग रहा है build quality could have been better on that front, door wise it's okay, I mean otherwise because safety is good, ये issue I think Ford या फिर आप Nixon में आप देखो या फिर Altroz में देखो बोला तो ये भी एक कॉन मेरे को अभी जस्ट मेरे मन में आया ये बात, विच इज अगेन अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इंसुलेशन कुड हैव बीन बेटर, ये जो इंसुलेशन होता है टायर नॉइज, लीक होता है, लीक होता है, इट लीक्स इनटू द कैबिन, लेकिन Again, I'm saying कि see, it is not something which is a major distraction. It's not a deal breaker. It's not a deal breaker. But yeah, can be considered. बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, बहुत cons, तो कुछ भी मिले तो उसको हम नहीं नहीं ये कौन है actually, नहीं ये तो मैंने तुमने आपको valid कौन बताया? नहीं नहीं genuine genuine. क्योंकि थोड़ा leak हो रहा है उसमें. You can especially if you're going above 5000 RPM. हाँ. तो आपको पूरा फील होता है, यू विल फील दैट टायर नॉइज, यू कैन फील द टायर, और क्या कौन आपको लगता है? एक मुझे लग रहा है एक और कौन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए मैं तो आपको फ्रैंक फीडबैक दे रहा हूँ, भले मेरे कॉन्स कम रहेंगे लेकिन कॉन्स है, तो ये सीट का पॉइंट बहुत जरूरी है फॉर द पैसेंजर्स, जैसे मैं बोला जो अगला सीट उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेल बोल्स्टर्ड, ये तो बहुत कंफर्टेबल है, आई एम अ फैन बन गया मैं सीट का, सो दिस सीट इज रियली गुड, सो नो इश्यूज हियर, बट द पैसेंजर्स मे हैव अ प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज द डेप्थ ऑफ द डिजाइन ऑफ द सीट इटसेल्फ, यू नो थाई सपोर्ट जो होता है, जो इसमें जो कम है, इसमें एडिक्वेट है, उसमें मुझे लग रहा है कि तो एडिक्वेट थोड़ा कम है, लेकिन जो बीच वाला पैसेंजर जो होगा डेफिनेटली ही विल नॉट बी कम्फर्टेबल, ओके, मतलब इट इज अ गिवन, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा कौन है डिजाइन ऑफ द सीट पे, लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट नहीं आएगा बीच वाले को, लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट नहीं आएगा। अच्छा, और क्या लगता है आपको? एक ये और एक ये है कि जो व्यूइंग पेन, जैसे ये जो व्यूइंग पेन है, विंडो का जो ओवरऑल लुक एंड फील है, वेरी गुड, वेरी प्लीजिंग, एडिक्वेट, लेकिन जो पीछे वाला जो पैसेंजर का जो व्यूइंग पेन है, जो विंडो का जो साइज है, अच्छा बोलो पीछे छोटा है, थोड़ा छोटा है, तो दे मे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक या थोड़ा कम क्लॉस्ट्रोफोबिक, दैट इज द राइट वर्ड, सो दे मे फील अ लिटिल, दिक्कत हो सकता है कि भाई थोड़ा ये नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट प्लेजरेबल बिकॉज ऑफ द आउटसाइड। फिर मेरे को एयरफिल का मुझे एक पॉइंट बोलना था, एयरफिल का किसमें? अच्छा स्टेपनी में, क्या स्टेपनी का जो होता है? हाँ आप कुछ बता रहे थे स्टेपनी का, ये मैंने आपका आपके वीडियो से ही एक टेकआउट लिया था, क्योंकि आपका जो ओनरशिप वीडियो था 5000 किलोमीटर, आई हैपन टू सी वन पॉइंट व्हिच यू मेड रिगार्डिंग द एयरफिल, जो स्टेपनी में जो आपको उतारना पड़ता है। अच्छा इसमें भी सेम प्रॉब्लम है? तो मैंने वो क्या कोलैबोरेशन है क्या रेनो और टाटा का, ये मैंने वही देख के मैंने बोला लेट मी चेक, बट मैंने तो सच में नहीं भरवाया। ये भी हो सकता है, तो व्यूअर्स आपको अगर लगता है दूसरे गाड़ी के बारे में आपको पता है कि जिसमें ऐसा टायर निकाल के स्टेपनी बाहर निकाल के एयर डालना पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, तो वी विल आल्सो कम टू नो अबाउट दोस कार्स। और ये पॉइंट बहुत दिक्कत वाली है एक्चुअली ये। हाँ सही में, मतलब भारी रहता है। हाँ आई थिंक यू हैड अ प्रॉब्लम रियल टाइम। हाँ मेरा हुआ था, एक लॉन्ग ड्राइव पे आई हैड सम बैक इशू, तो वो टायर निकाल के स्टेपनी को, इट वाज रियली टफ।
अच्छा, तो आपका पीछे का जो व्हील है, स्टेपनी व्हील है, वो सेम साइज है या फिर अलग? नहीं, वो R15 है, ये R16 जो है प्राइमरी टायर। अच्छा, आपका स्टेपनी R15 है, दैट इज R15, या। अच्छा अच्छा, ओके। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अलॉय, ऑब्वियसली। हां, रेमेटल व्हील, बट R15। तो आपको और कुछ नेगेटिव लगता है इसमें? तो ले देखिए, मतलब मुझे लग रहा है ये तो मेन जो प्राइमरी मुझे लग रहा है कि जो मेरे इमीडिएट अटेंशन में आया, दीज वर सम ऑफ द कॉन्स व्हिच आई फील दैट नीड्स टू बी लुक्ड एट। राइट, सो एज अ not as an owner, माने एक न्यूट्रल आप बायस अनबायस्ड व्यू दोगे। हाँ, एज ए कंज्यूमर आप अगर पांच गाड़ी देख रहे हो और काइगर, यू हैपन टू सी काइगर, सी काइगर आल्सो, हाउ विल यू रेट काइगर आउट ऑफ 10 अनबायस्ड? आप बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स बिकॉज दे आर गोइंग अनबायस्ड मेबल 10 आउट ऑफ 10। अरे no, no. I tell you, see, let's not get no car is perfect, let's not get into the point system. माई सबमिशन जो मैं जो आपको एक फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ, थम्स अप थम्स डाउन वही कर देते फिर, व्हाट डू यू फील? कीजिए तो थम्स अप होगा, आई एम श्योर काइगर के लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपवोट्स। या ऑफ कोर्स, आपको अपवोट बहुत मिलेंगे। आपको काइगर पसंद है तो लाइक बटन जरूर दबाएं, स्पेशली पीपल हु आर यूजिंग द दिस कार, यू नो, अभी जो लेने वाले हैं उनके लिए तो मेरा। अगर आप ही इज, वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन व्हाइल दिस डिस्कशन, आपको भी मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब टू द चैनल अभी बता दो, अगर आपको लगता है सब्सक्राइब वर्थ व्हाइल है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आई हैव, देखिए ये जो पीडिया वर्ड है ना, पीडिया वर्ड मतलब ये ज्ञान वाला वर्ड होता है, तो मैंने जो देखा पार्थोपीडिया, मतलब ये तो ज्ञान, बहुत ज्ञान बांटने वाला वीडियो लग रहा है, तो मैंने उसमें देखा तो काफी कुछ, इनफैक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो मेकिंग दिस कन्फेशन कि आपके जब मैंने वीडियो देखा तो आपने पूरा एक अच्छा स्पेक्ट्रम पकड़ा है इसमें, विच इवन कवर्स द ऑयल। Yes, 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 yes. अपने ऑयल के बारे में we have actually spoken about all the aspects of automobile. I think insurance, insurance also we have covered, and then now we are going with the cars. Yes, so yes. First we are educating our audience about all the parts, जैसे mechanical हो गया, turbocharger ये वो. Correct. Now we are going to the cars धीरे धीरे, so that they have a complete knowledge. One stop solution we tried. I don't know. Yes. You are a subscriber, so you will be able to give better feedback. I really. आपको भी क्या लगता है? Feedback comment section में जरूर. Please subscribe. Please subscribe to this channel, and I tell you, you will also get to earn a lot while taking a decision. आप जब डिसीजन लेते हो कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी है, जैसे आपका एक वीडियो है 8-10 lakh में कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। हां, यस 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 यस, तो वो सब जो है ना, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इनसाइट। वी कवर्ड काइगर इन दैट, दैट काइगर वाज वन ऑफ द मॉडल्स। तो मैंने ये क्यों बताया आपको कि ये जो बायर्स है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है टू टेक अ डिसीजन। राइट राइट, तो मैंने खुद रिसर्च किया था, मैंने आपको बताया। सो व्हाट वी फील इज, आई थिंक पॉजिटिव्स ही पॉजिटिव्स है, तो काइगर इज अ थम्स अप फ्रॉम यू। Definitely a thumbs up. I think 2 thumbs up. I am very happy as a customer. No okay, doubt. Okay. No doubt great, on that. Great. Yeah. Video में इतना ही था दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाइए। आपको कोई डाउट है इसके बारे में, काइगर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिखे, आई विल क्रॉस रेफर विथ हिम एंड कम अप विथ आंसर्स टू सूट योर रिक्वायरमेंट। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू पार्थ। थैंक यू।